हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आईपी कैमरे का पासवर्ड अगर हम आप भूल जाते हैं तो हम कैसे उसे आईपी कैमरे का पासवर्ड को लॉगिन करेंगे या कैसे उसे रिसेट करेंगे, पासवर्ड को कैसे रिसेट करना है। तो अभी जैसा कि ये देख रहे हैं, ये दो मॉडल आपके पास मैंने अभी लिया है जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, CP-UNC DS21 PL3 या फिर CP-UNC TS21 PL3। दोनों मॉडल में बस डिफरेंस ये है कि ये है डोम है आपका और ये वाला आपका बुलेट कैमरा है आपका, ठीक है। अभी मैं आपको डोम से बता रहा हूँ, सिमिलरली मैं आपको ये आपका बुलेट वाला कैमरा है आपका, तो बुलेट वाला कैमरे से भी आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, ये अब हमारा डोम कैमरा है, इसे मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद आपको करना क्या है कि ये पीसीबी सबसे पहले निकालेंगे खोल करके। आप ये आपने खोल मैंने खोल लिया इसे, ठीक है। ये पीसीबी आपका निकल जाएगा। रिसेट करने का सर एक ही तरीका है इस आईपी कैमरे को, कि आपको शॉर्टिंग करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इसको आप निकाल लीजिएगा ये आईआर को, ताकि आपको परेशानी ना हो। ये देखिए अलग हो गया, ये आपका, ये देखिए अलग हो गया, ये पीसीबी आपका साथ में आ गया। इतना जब तक खोलेंगे नहीं आपका पासवर्ड रिसेट नहीं होगा। तो ये देखिए, अब इसको आपको दो पिन शॉर्ट करना होता है इसमें। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पे मैं आईपी सर्च करवाऊँगा, कैमरे का आईपी कितना है। तो ये देखिए आईपी का कैमरा है 250, ठीक है। अब मैं इसे लॉगिन पे करूँगा, इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए इसको ओपन करने के बाद ऐसा पेजेस खुलेगा, जब आप यहाँ पे आईपी डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे 192.168.1.250, या जो भी आपका कैमरे का आईपी है आप डालने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद अगर आपको पासवर्ड भूल गए हैं तो आप विंडो प्लस आर कीजिए प्रेस, ठीक है, इंटर प्रेस कीजिए और पिंग स्पेस 192.168 जो कैमरे का आपका आईपी है 1.250-T, ठीक है। अभी ये मैंने पिंग करवाया, ये पिंग हो रहा है आपका। अब इसको शॉर्ट करवाने के लिए ये कैमरे का जो दो पिन देख रहे हैं, ये दो पिन, ये देखिए इस साइड में जो ये जैक है आपका, ठीक है, उसके जस्ट बगल में दो पिन है। किसी किसी पुराने वाले कैमरे में बटन भी दिए हुए रहते हैं, या मैक्सिमम कैमरे में आपको शॉर्टिंग करने का ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। अगर आपको नहीं पता लगता है, अगर डाउट है अगर आपको, तो कभी भी रिस्क मत लीजिएगा। आप मुझे मेरे मेल आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं, या मेरा जैसा मेरा आपके पास फ़ोन नंबर है आप मुझे फ़ोन नंबर पे कॉल कीजिएगा। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शॉर्ट कौन कौन से दो पिन, क्योंकि यहाँ पे बड़े वाले ये भी है, इधर भी आपका है, इधर भी आपका चार पिन है आपका, ये देखिए यहाँ भी चार पिन है आपका, यहाँ पे सिंगल खोलें। तो कन्फ्यूज़ अगर है, थोड़ा सा भी डाउट है अगर आपको, तो कभी भी मत कीजिएगा, अदरवाइज़ ये कैमरा आपका जल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मॉडल में ये आपका दो दो सॉकेट है यहाँ पर, ठीक है, उसके बगल में दो पिन है। इसको आप या तो आप, मैं ट्यूजर यूज़ कर रहा हूँ, आप हार्ड अल्मोनियम की वायर या कॉपर वायर उससे भी आप यूज कर सकते हैं, सो डैट आप ये ऑन पावर ऑन रहेगा। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपका पिंग भी हो रहा है, इसे इसी अवस्था में इसे आपको शॉर्ट करना होगा। तो ये देखिए मैं इसको दोनों को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब घबराइएगा नहीं, इसमें कभी भी करंट नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है, ये पिंग हो रहा है, वेट करेंगे हम। ये देखिए आरटीओ दिखा दिया आपको, ये दिखाया आरटीओ और ये अन्य, इसका मतलब आपका ये कैमरा का पासवर्ड ये रिसेट हो गया। अब ये दोबारा फिर से नए जैसे बिल्कुल कैमरे हो गए हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ये नया जैसा हुआ या नहीं हुआ है। तो ये देखिए आप, ये मैं दोबारा से अगर आईपी में सर यहाँ पर सर्च करवाऊँगा, देखिए यहाँ से दोबारा से हमें पासवर्ड मांगने के लिए मिल गया आपको, कि नया पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ये ईमेल आप ज़रूर भरिएगा, ताकि अगर ये चीज़ जो मैंने अभी किया है ये सारा कुछ, ये चीज़ अगर बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना मेल आईडी डालिएगा और सेव कर दीजिएगा, ताकि आपको
रिसेट पासवर्ड या अपडेट डेट और टाइम वगैरह करने के लिए आपको बार बार आके कैमरे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली ये देखिए आप बुलेट कैमरा है आपका, बुलेट कैमरा में आप खोलेंगे तो नॉर्मली तो ये ऐसा रहता है, ठीक है। इसको आप ट्वीज़र से हटाने की कोशिश करेंगे या चाकू या नाइफ से कुछ भी, इसको हटाने के बाद ऐसा आपको मिलेगा। इसमें चार स्क्रू दिया हुआ रहेगा और खोलने के बाद आपको ये अलग हो जाएगा। अलग हो जाने के बाद आपको इसमें भी आपको वैसे ही दो होल ढूंढने पड़ेंगे किसी साइड में, या तो ये हरा वाला इसमें नहीं होगा आपका, जब भी होगा तो ये नीचे वाला में ही होगा। ये जो मेन पीसीबी होता है ये आपका पावर के लिए है, ठीक है। तो ये इधर आपका दिया हुआ है दो पिन, ये देखिए ये दो पिन दिया हुआ है, ये दो पिन, ये इसी तरह से आपको इसमें दोनों होल में आपको डाल करके इसको भी आपको शॉर्ट करवाना होगा ऐसी आईपी पिंग, क्योंकि आईपी पिंग से कन्फर्म हो जाएगा आपका कि आपका आईपी रिसेट हो गया है, ठीक है। ये सिर्फ पासवर्ड के लिए नहीं, आईपी बदलना चाहते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो आईपी रिसेट के लिए भी यही तरीका है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं बार बार आपको व्हाट्सअप करता हूँ, मेल करता हूँ आपको लिंक भेजने के लिए कि आप देखिए, उससे बचें और टाइम भी सेव होगा हमारा और आपका। ओके गॉड।